मफिन फिर तो अच्छे कौन थे, फिर मफिन तो घंटे में 5 कुंटल तो 500 केजी निकाल देता है वो। सर अच्छा है, जो लेना चाहता है ले सकता है वो, अच्छी मफिन है, अच्छी चल रही है, टू व्हीलर कंपनी अच्छी है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हमारे साथ एक ऐसे स्मार्ट किसान हैं जो अपने पैदावार को वैल्यू एडिशन खुद कर रहे हैं। तो वीडियो में हम जानेंगे कि वह कैसे अपने पैदावार का वैल्यू एडिशन करते हैं। स्वागत है सर आपका, आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी, मेरा नाम प्रदीप कुमार वर्मा है, मैं जौनपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। तो सर सबसे पहले जान लेंगे कि आप खेती से कितने दिन से जुड़े हुए हैं। तो खेती में मेरे पिताजी करते थे, मैं भी हूँ खेत में, वही मैं कर रहा हूँ आगे। तो सर किन किन फसलों की खेती आप करते हैं अभी? मैं जैसे मक्का हुआ और धान और गेहूं, और बहुत ही फसलें हैं जो कि मिर्च की फसल बहुत ही जो आता है में तो लगभग। सर आपके जो पैदावार है इनको वैल्यू एडिशन का आइडिया आपको कहाँ से आया और किस तरीके से आप इनका वैल्यू एडिशन करते हैं सर? जो कौन थे फिर मशीन, मैं तो टू व्हीलर फिर मंगाया था, इसके बाद मैं वहां पर देखा कि अच्छी मशीन चल रही है वहां पर, इस बार चलाया मैं वहां पर, ज्यादा वो निकला निकला। पहले हाथ से वो मशीन घर को बुलवाते थे, जी बाहर से ट्रैक्टर को चलता है जो, फिर मैंने देखा कि ऐड देखा यूट्यूब पर, तो मैंने देखा कि एक टू व्हीलर साइड है वहां पर मिलता है, ये खरीदा मैंने। इसके बाद मैं वो लिया, आकर मैं देखा अच्छी चल रही है मशीन, हाथ से कितना हो पाएगा, बहुत हो ही नहीं पाएगा। और मशीन से तो अच्छे कौन थे, फिर मशीन तो घंटे में 5 कुंटल तो 500 केजी निकाल देता है वो। तो सर आपने जो टू व्हीलर से कॉर्न थ्रेशिंग मशीन खरीदा था तो उसका परफॉर्मेंस कैसा है सर प्रोडक्ट का? अच्छी परफॉर्मेंस है, अच्छा है वो। यूट्यूब में देख रहा था मैं, फिर मेरे नीचे आया, मैं देखा कि यार अच्छा है ये मशीन है, मैंने यूट्यूब में देखा तो वहाँ पर लिंक भी दिया गया था, मतलब टू व्हीलर मैंने ऐप डाउनलोड किया, फिर आगे देखा उसमें कि पढ़ा, मैंने पढ़ा जो परचेज किए थे और इधर उधर किए थे जो, मैं वो भी पढ़ा, मैं बोला कि अच्छा है मशीन है, ये अच्छी हो सकती है मेरे लिए, मैंने ऑर्डर किया। फिर इसके बाद आया देखा अच्छी चल रही है मशीन, और मैं एक दो मशीन खरीदा था। सर हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि प्रोडक्ट ऑर्डर करने से लेके आपके घर तक प्रोडक्ट मिलने तक का जो जर्नी है, तो वो टूल्स विला का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा सर? मैम देखिए वहां पर बड़ी चीज है वो, कोई वो नहीं है, जैसे आने थोड़ा टाइम लगता है वहां पर, जी मेरे पास डिलीवर हुआ 8 9 9 दिन में डिलीवर हुआ था, अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, जो लेना चाहता ले सकता है वो, अच्छी मशीन है, अच्छी चल रही है, टू व्हीलर कंपनी अच्छी है। तो सर आप कॉर्न थ्रेशर के अलावा खेती में और कौन कौन से मशीनों का अभी इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है सर? पर कौन थ्रेशिंग के अलावा जैसे मिनी रोटी टिलर हुआ और छोटी चीज है, ये सब यही सब इस्तेमाल अभी कर रहा हूँ, बहुत बड़े चीज वैसे नहीं कर रहा हूँ अभी। मैं वाटर पंप इस्तेमाल भी करता हूँ, मेरे पास समरसिबल है जो उसमें है, वही इस्तेमाल वही करता हूँ मैं, पावर टिलर हुआ यही सब जी है अभी, तो है सारे यंत्र जो है यही सब है। तो सर खेती में खेती को मतलब आगे बढ़ाने के लिए आपके फ्यूचर गोल्स क्या है सर ये बताइए। मैम देखिए मेरा फ्यूचर आगे है, और ज्यादा ही बढ़ाने का है, आगे और बढ़ाना है, टेक्निकल विधि से खेती करना है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ और हमारे दर्शकों के साथ शेयर किया। आशा करते हैं कि एडवांस फार्मिंग में आप और भी आगे बढ़े और टूल्स विला टीम की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। धन्यवाद।